झारखंड के रामगढ़ की तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली है। यहाँ एक शख्स पानी के बहाव का शिकार हो जाता है। 35 साल का संतोष मांझी भैरवी नदी पर बने पुल से गुजर रहा था। मना करने के बावजूद संतोष आगे बढ़ता गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी की लहरों ने इस शख्स को अपने में समा लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस शख्स कैसे देखते ही देखते मंझधार में खोता चला गया। इसके बाद ये शख्स खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ये शख्स जिंदगी की जंग हार जाता है। संगम नगर प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, बावजूद इसके निचले इलाकों में मुसीबत बनी हुई है। ज्यादातर इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। बारिश और बाढ़ के संकट के चलते लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अभी भी लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। पहाड़ों पर बारिश से क्या हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भूस्खलन से संकट खड़ा हो गया है। पहाड़ों से नीचे आए पत्थरों के चलते आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ऋषिकेश देवप्रयाग के रास्ते पर हुए भूस्खलन के चलते रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। रात करीब 3 बजे से रास्ता बंद है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। बारिश से पटना के हालात खराब हैं। इसका अंदाजा लगाने के लिए जीडीयू दफ्तर की तस्वीरें देखिए। यहाँ थोड़ी सी बारिश से जलजमाव हो गया है। शहर के बाकी हिस्से भी पानी में डूबे हुए हैं। आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स साउंड ऑफ भारत। तो देखिए, अगस्त बीत गया लेकिन मानसूनी आफत इस वक्त थमी नहीं है। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्य बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। यूपी से लेकर एमपी तक सैलाब से जिंदगी बेपटरी हो गई। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 दिनों तक आंधी तूफान की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए, नासिक, विदिशा, मंदसौर, भागलपुर, रतलाम, लोग परेशान। जोखिम में जान, इंसान है परेशान। कैसे हो समाधान? मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल है। विदिशा में उफनती बेतवा नदी में एक हादसा हो गया। पानी से लबरेज दरिया में बीजेपी नेता नहीं माने और अपने 2 साथियों के साथ छलांग लगा दी। फिर क्या था, डूबने लगे। लोगों के शोर मचाने पर वहां मौके पर तैनात होमगार्ड जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन 3 लोगों की जान बचाई। 2 लोगों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। लापरवाही का ये नजारा मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां कई लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी में बाढ़ आई हुई है, जिससे कनेरी रोड पर बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। इस पुलिया पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगती। इसी रतलाम के सागोद रोड के पास पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। ऐसे में आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में लापरवाही का आलम देखिए कि वहां परिजन उन्हें गोद में उठाकर दौड़ते रहे और तब तक बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दमदम गांव में साल 2014 में स्टाप डैम बनने के बाद से ही लोगों को इसी तरह जुगाड़ के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। जान जोखिम में डालकर लोग उस पार जाने को मजबूर हैं। बादल फटने जैसे हालातों वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। कहीं मंदिर डूब गए हैं तो कहीं घाट लापता हो गए। तस्वीरों में देखिए, सैलाब का ऐसा संकट है कि बाढ़ के पानी में हनुमान जी भी डूब गए। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आई गोदावरी नदी का पानी तटीय इलाकों तक पहुंच गया। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन बाढ़ को लेकर सतर्क है। तो वहीं बिहार में सुशासन के दावे की पोल खोलने वाली इन तस्वीरों को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। गांव में सैलाब आया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में लोग लाचार हैं। जुगाड़ की नाव बनाकर लोगों को निकलना पड़ रहा है।
मद्रोणी गांव में परिजन को प्लास्टिक के ड्रम की बनाई गई नाव के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे ही हाल बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के हैं। पानी से लबालब नदी में नाव पर सवार ये बच्चे हर दिन ऐसे ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। न कोई पुल है, न कोई सड़क। सैकड़ों बच्चे हर दिन अपना भविष्य संवारने के लिए घर से नाव पर सवार होकर स्कूल के लिए निकलते हैं। ये तस्वीरें बिहार की हकीकत को बयां कर रही हैं। भारी बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में भी आज भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है।